अब हम काम करने जा रहे हैं नॉन एबिलियन ग्रुप पे, ठीक है। इसलिए हमने क्या कंसिडर कर लिया, डी फोर कंसिडर कर लिया, ठीक है। आसान करने के लिए, क्योंकि हमें एक बार आना चाहिए करना, आ गया होगा, मैंने एच एक सब ग्रुप ले लिया जिसके अंदर वो सारे एलिमेंट ले लिए जो ग्रुप के बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं, और डी फोर के अंदर ऐसे दो ही एलिमेंट होते हैं, एक तो आर जीरो और एक आर वन एटी, ठीक है। फिर क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे, फाइंड ऑल कोसेट्स ऑफ एच इन जी, ठीक है। एच के कोरस्पोंडिंग जी के अंदर इसके सारे डिस्टिंक्ट कोसेट्स फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। जिसको डी फोर का नहीं पता है उसके एलिमेंट्स में लिख देता हूँ, डी फोर का ऑर्डर होता है 8, चार रिफ्लेक्शन कोरस्पोंडिंग और चार रोटेशन, आर जीरो, आर 90, आर 180, आर 270, हॉरिजेंटल रिफ्लेक्शन, वर्टिकल रिफ्लेक्शन, डायगनली और बैकवर्ड डायगनली रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये 8 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। क्या निकालना है आपको, इसके कॉरस्पोंडिंग इसका, इसके डिस्टिंक्ट कोसेट्स, ठीक है। मेहनत नहीं करनी है, हालांकि तुम्हें कर सकते हो मेहनत, लेकिन नहीं करनी है आपको, फटाफट डिस्टिंक्ट निकालनी है, ठीक है। डिस्टिंक्ट कितने आएंगे, डिस्टिंक्ट आते हैं बता दो कि ये आएंगे इसके अंदर, करो। कोसेट का यूज होगा नॉर्मल सब ग्रुप्स में, और नॉर्मल सब ग्रुप्स की हेल्प से हम क्या बनाएंगे, फैक्टर ग्रुप। ऐसे वैसे नहीं बनते फैक्टर ग्रुप, किससे बनते हैं, नॉर्मल से, और नॉर्मल से बनते हैं, नॉर्मल बनते हैं कोसेट्स की हेल्प से। इसलिए हम कोसेट्स देख रहे हैं आज कैसे निकाल रहे हैं। पहले ये बताओ, क्या इस एच को मैं ये भी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना, जेड डी फोर, सेंटर ऑफ डी फोर, वो सारे एलिमेंट जो ग्रुप के बाकी सारे एलिमेंट के साथ क्या करते हो, कॉम्यूट करते हो। हुआ किसी का, कितने बने हैं, मेहनत कर रहे हो। देखिए पहला एलिमेंट उठा लीजिए, आर 90 उठा लिया, ठीक है। लेकिन जब हम डाईहेड्रल ग्रुप पे काम करते हैं तो हमें कॉम्पोजिशन टेबल की जरूरत होगी ना, कॉम्पोजिशन टेबल हमें पता हो, इसलिए डाईहेड्रल का बना सकते हैं, वरना नहीं बना सकते, ठीक है। अब फटाफट बताइए मुझे, आर 90 करूंगा मैं, ओके। आर 90 किसका एलिमेंट है, इसका, और आर 90 इंटू एच करूंगा, एच बल्कि जेड डी फोर गिवन है, जिसके तुम कन्फ्यूजन ही, एच ही आएगा। ईच है, ई एच ऑलवेज किसके इक्वल होता है, एच के इक्वल होता है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना, ठीक है। नेक्स्ट चार है, ठीक है चार बनेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट आर 90 उठाया मैंने, आर 90 किया और उसकी कंपोजिशन एच के साथ करी, लिखना स्टार्ट कीजिए, आर 90 इसके साथ आर 90 आएगा, ये आ गया। नेक्स्ट रोटेशन की कंपोजिशन तो आसान होती है ना, इसके साथ किया तो, इसके साथ किया तो आर 180, अच्छा जी के साथ कर दी, यहाँ पे देखिए आर 90 टू एच, ये रहा आर 92, आर 90। नेक्स्ट अच्छा किससे कराया था, इसको तो कट कर दो, या फिर ये लिख दो, या फिर ये लिख दो, इसको ये सेम आएंगे ना, ये लिखना बेटर रहेगा, वहां से कट कर दो, इसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या उठाओ, अच्छा आर जीरो लिखा था ना तुमने, क्या है ये, किससे जनरेट कराया था, दूसरा एलिमेंट क्या हुआ है, मतलब इससे जनरेट कराओगे तो सेम आएगा, है ना, मतलब इससे भी कराने की जरूरत नहीं है, और इससे तो तुमने करा ही दिया, इससे तो तुमने करा ही दिया, इससे कराओगे, इससे, इससे कराएंगे, ठीक है। H इंटू एच, ये तो है सब ग्रुप का नाम और ये है एलिमेंट, ठीक है। इसलिए कई बार हम बार भी लगा देते हैं इस पे, एच पे बार भी लगा दे, इस पे बार लगा दो डिफरेंट करने के लिए, इसको मैं एच बार बोल देता हूँ, ठीक है। ये एच बार क्या है, एलिमेंट, ये एच क्या है, सब ग्रुप, ठीक है। तो बताइए इसके साथ कराऊंगा आर, इसकी इसके साथ एच ही आएगा। नेक्स्ट
एच बार लिख दो, एलिमेंट लिख रहे हैं ना, यहां से किया इसके साथ तो क्या आएगा, वी आएगा। अच्छा किससे जनरेट कराया, इसको करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्या लिख दीजिए, वी एच। ठीक है, अब देखो कितने एलिमेंट है टोटल, दो तो यहां आ चुके डिस्टिंक्ट, दो यहां आ चुके, दो यहां आ चुके, दो रहते हैं ना, इसका मतलब मुझे पता है बाकी सारे जितने भी एलिमेंट रहे हैं ना उससे जनरेट कराऊंगा तो एक डिस्टिंक्ट को सेट बनेगा ही बनेगा। मैंने एक बनाया, मतलब डी से बनाया, डी इंटू एच से। मुझे एक बात बताओ, दो के ही बनेंगे ना कंपोजिशन, इसके साथ कोई दो ही एलिमेंट आएंगे। मैंने आर 90 इंटू डी करते यहाँ पे क्या आ गया, डी आ गया, दूसरा क्या आएगा, डी डैश आएगा ना, एक एलिमेंट ये आ गया ऊपर वाले में से आ नहीं सकता, दूसरा क्या बचेगा सिर्फ। अब डी डैश से भी करवाऊँ ये किसके कॉल आ जाएगा, इसके अंदर टोटल सब ग्रुप सॉरी को सेट्स कितने बनेंगे, चार डिस्टिंक्ट, ये तो सेम ही है वो चार बनेंगे डिस्टिंक्ट। आ गया समझ, श्योर? थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन दूं? नो सर, इसको थोड़ा बढ़ा लीजिए, ये सेंटर था, सेंटर के अंदर तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये आएंगे यार आगे समझ में। अब मैं इसमें फोर एलिमेंट ले लेता हूँ, इसके अंदर मैं इसमें एच और वी भी ले लेता हूँ, एच के अंदर ये तो सेम रखा मैंने, जी इज इक्वल टू डी फोर तो सेम रखा, और अब की बार मैंने जो एच लिया है उसके अंदर एच और वी एलिमेंट और ले लिए, आर जीरो आर 180 एच और बी, बस ये करेंगे डी फोर के अंदर, डी थ्री डी उसके लिए आप खुद करोगे। ठीक है, पहले ये बताओ क्या सब ग्रुप होता है क्या, ये सब ग्रुप होता है क्या, ये एच सिक्स एच सेवन एच एट और एच नाइन, तीन डी फोर के लिए सब ग्रुप करे थे ना, डी सिक्स एच सिक्स आया था जब तक साइक्लिक बना रहे थे, फिर एच सेवन एच एट या पता नहीं दो थे, एच एट या एच नाइन दो थे ना, एच एट एच नाइन और एच टेन वो खुद था, तो ये जो पता है कौन सा है, एच एट ऐसा है, दिए ये एच एट, एट सब ग्रुप है ये उसका, जब हमने लिस्ट बनाई थी तो उसमें एच एट है ये। ठीक है, देखो मैंने डायरेक्टली एच एट क्यों बोल दिया, क्योंकि मैंने पहले तीन साइक्लिक बनाए थे, फिर चार ऑर्डर का साइक्लिक, फिर एच सिक्स आया था, फिर एच सेवन जो चार ऑर्डर का साइक्लिक था, फिर एट था चार ऑर्डर का नॉन साइक्लिक था, फिर एच नाइन था जो चार ऑर्डर का नॉन साइक्लिक था, और एक एच टेन खुद था, तो एच एट की बात कर रहे हैं हम। एच डैश लिख दूं, दो ही बनेंगे, श्योर? एक तो ये कर लो, एच सी आ जाएगा, चार तो कट, तीन तो कट गए, चार कट गए बल्कि, इसे करने की जरूरत नहीं है अब तुम्हें, इसे करने की जरूरत नहीं है और इससे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई बच्चा बोलेगा सर आर 180 इंटू एच करना, यही आ जाएगा, कोई बच्चा बोलेगा एच इंटू एच करना, यही बी इंटू एच करना, यही आएगा। नेक्स्ट आर 90 एच आर 90, देखो डिस्टिंक्ट है ना, पहला एलिमेंट क्या इसके अंदर है, नहीं है ना, कितने एलिमेंट रह गए, आने कितने हैं इसमें, ये तीन आ नहीं सकते, तीन नहीं आ सकते ना, क्योंकि पहला एलिमेंट क्या हो गया डिस्टिंक्ट, टोटल फोर लेने हैं, रिपीट कर नहीं सकते आप, तो एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि जो बाकी सेट के रह गए सारे इसमें लिख दीजिए। ऐसे भी कर सकते हैं, 90 से डिलीट करा के कंपोजिशन टेबल से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो बाकी कौन से बचे हैं, आर 270 डी और डी डस, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी ना, क्या यहाँ पे आर 180 भी आ सकता है, नहीं आ सकता, एच आ सकता है, नहीं आ सकता, वी नहीं आ सकता, और एक आ गया, तो बाकी तीन तुम्हें डिस्टिंक्ट चाहिए, तो ये आएंगे, डिस्टिंक्ट आते हैं ना एलिमेंट सेट के अंदर, इसको इसको करो, पूरा D4 आ रहा है, इसका मतलब बाकी करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, आ गया समझ में? yes.
या और भी करोगे? अब और करने की जरूरत नहीं, इसके दो ही क्या बनेंगे? कोसेट्स, ठीक है। जब तुम्हें ग्रुप फाइनाइट दे दे, ग्रुप कैसा दे दे? फाइनाइट, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रुप का ऑर्डर देख लीजिए, उसने दे दिया कि एच से जनरेट करके बताओ कितने बनेंगे, ठीक है। रीजन भी देखो साथ के साथ, रट्टा नहीं मारना है, रट्टा नहीं मारना। देखो यहाँ पे ले लिया एच, पहला तो तुम्हें पता है कि अगर मैं ई इंटू एच करूँगा तो एच आएगा, उसके अंदर जो बाकी एलिमेंट उसे जनरेट करूँगा तो वही कोसेट आएगा। तो इससे कर लो, इससे कर लो, इससे कर लो, रीजन इसकी वजह से उतने ही सब ग्रुप आएंगे। ग्रुप का ऑर्डर था 4, 8, ऑर्डर ऑफ टी 4 इज 8, ठीक है। और सब ग्रुप का ऑर्डर है 4, तो डिस्टिंक्ट कोसेट्स कितने आएंगे? 2 आएंगे। यानी आप सब ग्रुप के ऑर्डर को किसे, ग्रुप के ऑर्डर को किसे डिवाइड कर दीजिए? सब ग्रुप के ऑर्डर से डिवाइड कर दीजिए, वो उसका क्या बन जाएगा? उसको उसका इंडेक्स भी बोलते हैं, सुना है ना? क्या बोलते हैं उसको? इंडेक्स, ठीक है। यानी अगर तुम्हें इंडेक्स निकालना, दो तरीके लिखने के इंडेक्स के। देखो कई बुक में तुमने देखा भी होगा, अभी फील्ड थ्योरी पढ़ी होगी तो जी कोलन एच ऐसे करके, इसकी क्या नोटेशन थी? फील्ड, सब फील्ड होती है तो, है ना, एक तो ये नोटेशन थी। लेकिन जब फील्ड तो फोर्थ थर्ड पोजीशन पे आती है ना, जब हम पहले ग्रुप पढ़ते हैं, फिर पहले नंबर थ्योरी पढ़ते हैं, फिर ग्रुप पढ़ते हैं, उसके बाद रिंग और उसके बाद फील्ड, है ना। यहाँ से करेंगे, इसका मतलब ही क्या है? इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंडेक्स होता है एक नंबर, इंडेक्स एक तो नंबर होता है, इंडेक्स कोई सेट होता है, नंबर होता है ना। इसका मतलब ये होता है कि आप ग्रुप के ऑर्डर को किससे डिवाइड कर दीजिए? सब ग्रुप के ऑर्डर को ऑर्डर से डिवाइड कर दीजिए, तो उसको हम एक नाम दे देते हैं जिसका क्या है? इंडेक्स, ठीक है। और जब हम इंडेक्स निकालते हैं तो उतने ही कोसेट आ रहे हैं, उतने ही कोसेट्स आ रहे हैं। ये तो मैंने वर्बली बोला है, हमने किए तो बहुत सारे हैं, तुम्हें करने के लिए भी दूंगा मैं। सभी का निकालोगे तो तुम्हें क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले ही पता हो कि इसके नंबर ऑफ सब डिस्टिंक्ट कोसेट्स कितने बनेंगे, पहले ही पता है ना, पता चल गया। Z6, Z10, Z10 के लिए घर पे करने के लिए दिया, Z15 दिया है। तो मैं तुमसे पूछूं कि Z15 के अंदर टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप 8 के कोरस्पॉन्डिंग डिस्टिंक्ट कोसेट, काम आसान हो गया ना, हाफ तो हो ही गया, ठीक है। और हाफ में से हाफ करना मैंने भी सिखाया ये तुम्हें, ठीक है। अब वो जो Z6 किया था, इतना सारा बोर्ड हमें भर दिया था, उसको करने की जरूरत है नहीं। वो तो हम इसलिए कर रहे थे ताकि हमें से हम सीख जाए, समझ जाए, ठीक है, ऑब्जर्वेशन है ना। पर अब हमें ये सब करने की जरूरत है नहीं, अब हम सीख गए कि कोसेट्स कैसे बनाते हैं। सीख गए क्या? सीख गए पक्का? पक्का? अच्छा, मैं जी ले लूं और एच को भी जी ले लूं, फिर टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स एक ही बनेगा। ग्रुप का ऑर्डर एन मान लो, सब ग्रुप का ऑर्डर एन बाय एन, एक ही बनेगा, है ना। और कौन सा बनेगा? खुद जी, खुद जी को लिख दो। अब मैंने जो ये लिखा था ना, ये जी है और ये एच, अंदर वाला लिख रहा था ना, उसकी ओवरलैपिंग करा दी, ये एच है उसी के अंदर, तो एक ही डिस्टिंक्ट कोसेट्स बनेंगे, ठीक है। क्या तुम D3 के लिए डिस्टिंक्ट कोसेट्स और डिस्टिंक्ट सब ग्रुप बना के क्वेश्चन कर सकते हो? इनको बनाना, क्योंकि इनकी हेल्प से हम फैक्टर ग्रुप बनाएंगे, चाहे तुम्हें आ गए हो चाहे तुम्हें ना आ गए हो, ठीक है। आए तुम्हें चाहे तुम्हें ना आए, ठीक है। पहले तो नहीं आते थे, मैं ऐसा मान के चला था, लेकिन अब जब मैंने समझा दिए तुम्हें तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि तुम्हें आ गए, लेकिन करने सारे हैं, सारे इन द सेंस। मैंने लेक्चर स्टार्ट होते कहा था ना, जब तक तो मैंने बताया था, जब तक तुम्हारे माइंड में ना आ जाए कि कैसे कोसेट बन रहे हैं, तब तक बनाते रहो, बनाते रहो, बनाते रहो, ऑब्जर्वेशन अपने आप आ जाएगी तुम्हें, तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। क्या मैंने तुम्हें बताया ऑब्जर्वेशन? मैंने कोई भी ऑब्जर्वेशन बताई? कौन सी बताई बताओ? पहले किसी ने बताया फिर तो मैंने बताई है, या फिर जो तुम्हें नहीं पता लगी, जो तुम्हें नहीं पता लगी उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल और कराता तो वो भी माइंड में चुटकी से आ जाती, वो भी आ जाती। मैंने Z6 कराया, Z8 कराया, और Z6 से ही सब सारी ऑब्जर्वेशन आ जाती तो मैं Z8 क्यों करवाता, है ना। फिर मैं Z10 उठाता, Z10 से नहीं उठा आती तो फिर मैं Z15 उठाता, Z12 उठाता तो आएगी नहीं। लेकिन वो तो तुम्हारे ऊपर है, या तुम्हें कोई और, तुम्हें किसी से को समझाना है नहीं, बैठ के करो काम और ऑब्जर्वेशन देखो, बनाते जाओ, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप बताओ। बोलते हैं कि अगर आप एच का ही कोई एलिमेंट ले लेते हो और फिर उस एलिमेंट से तुम कोसेट बनाने की कोशिश करोगे तो मेहनत करने की जरूरत नहीं है भैया,
जो दे रखा है वही लिख दो। ये क्यों हो रहा है ये तो समझ में आ गया, समझ में आ गया ना क्यों हो रहा है। लेकिन तुमसे बोल दे कि मैथमेटिकली प्रूफ करो, तो कर सकते हो, दोनों सेट है, सेट को इक्वल दिखाना है मैथमेटिक्स में। पहला इसका एलिमेंट उठाओ, इसके अंदर कंटेन करवा दो, फिर इसका एलिमेंट उठाओ, इसके अंदर कंटेन करा दो, ए कंटेन्ड इन बी, बी कंटेन्ड इन ए, दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, देखो जैसे ये लिए मैंने, इसको प्रूफ बोल देते हैं, इसका प्रूफ करेंगे। ठीक है, ये है क्या, क्या लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है ना कि आप ए के एलिमेंट से कुछ, जैसे ई आते ही, एच आते ही हमारे पास जितने एच के एलिमेंट, एच में एलिमेंट दिए हुए हैं वो तो क्लियर हो जाते हैं, उनसे करने की जरूरत नहीं है, फिर वो एच ही आएगा, वो बोल रहा है ये। मैथमेटिकली करेगा, देखो एक एलिमेंट ले लिया, इसका ले लिया एलिमेंट, ये क्या है वैसे, ए एच को सेट है, ए एच, एच बिलोंग टू एच, ऐसा है ना, ओके। इसका एक एलिमेंट ले लिया ना मैंने, इसके अंदर दिखाना है, एक्स एलिमेंट ले लिया, एक्स बिलोंगिंग टू ए एच, तो x किस टाइप का होगा, a इंटू एच वन, और सच दैट जो h1 एलिमेंट है वो किसका होगा, h का। अभी x किसके अंदर दिखाना है तुम्हें, h के अंदर, h क्या सब ग्रुप है, सब ग्रुप है ना, h इज ए सब ग्रुप ऑफ, h इज ए सब ग्रुप ऑफ g, बताओ क्या करूं, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करना है, क्लोजर प्रॉपर्टी देखो, x इज इक्वल टू ए एच है, और a एलिमेंट है किसका है, h का, a एलिमेंट g का, लेकिन क्या गिवन है, क्या गिवन है, g नहीं गिवन है, किससे लेना है, h से। ठीक है, g तो होता है लेकिन उसका पार्टिकुलर रिजल्ट लिख रहे हैं कि a किसका एलिमेंट है, नहीं समझ आया, a होता किसका है लेकिन रिजल्ट में क्या गिवन है, एच क्या है, ए एलिमेंट, एच वन एलिमेंट, क्लोजर प्रॉपर्टी होगी, दिस इंप्लाइज दैट ए इंटू एच वन, इसको तो नाम दिया हुआ मैंने, ये क्या है, किसका एलिमेंट आ गया, एक एलिमेंट आप ए एच का लेके चले थे और किसके अंदर दिखा दिया, इसका मतलब ए एच है वो किसके अंदर कंटेन है, एच के अंदर कंटेन है, और इसी इक्वेशन को हम मान लेते हैं वन। सेकेंड, एच का लेके चलो, एक एलिमेंट एच का लेके चलो, ठीक है, उसको मैं एच वन बोल दूं, एच वन बोल दिया, ठीक है, ए एलिमेंट गिवन है, किसका है, एच का, एच क्या, एक सब ग्रुप, इसका मतलब ए इंटू एच वन है वो एलिमेंट भी किसका होगा, और ए इंटू एच वन है वो तो किस टाइप का एलिमेंट है, ए इंटू एच वन किस टाइप का होता है, ए एच का, इसका मतलब जो एक्स है वो किसका एलिमेंट आ गया, किसका लेके चले थे, एच का लेके चले थे, इसका मतलब जो एच है वो किसके अंदर कंटेन हो जाएगा, ये इक्वेशन सेकंड। और जब ये हो जाता है तो इस सेट थ्योरी का यूज करके एच इज इक्वल टू ए एच, ठीक है, एच इज इक्वल टू एच, ऐसे भी कर सकते हो इस एग्जैक्ट थ्योरम को, ठीक है, ये ऐसा इसलिए होता है, होता क्यों वो तो मैंने बता दिया था, लेकिन वो हमने प्रूव नहीं किया था। जब कोई चीज़ में पैटर्न नज़र आ रहा हो उसको प्रूफ नहीं माना जाता कि आप तब कि डिजिट के बाद चेंज हो जाए, है ना, तो लेकिन ये इसका प्रूफ कर दिया हमने कि हमने कुछ पार्टिकुलर वैल्यू ली एक्स की, एच वन की, ए की, इसका मतलब ये हर एक के लिए होगा, है ना। इसको अलग से इसलिए करवाया गया क्योंकि ये बहुत सारे एलिमेंट्स को कट कर देता है, उनको फिर कोसेट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। डी फोर के लिए कर लोगे, सभी के लिए, डी थ्री के लिए, Q4 ले लेते हैं नेक्स्ट, जितना ज़्यादा बड़े ऑर्डर का सब ग्रुप लोगे कोसेट्स उतने कम बनेंगे, है ना, बन गए होंगे, दो डिस्टिंक्ट बनते ही, अब तुम्हें ज़्यादा कंक्लूजन या ज़्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, दो डिस्टिंक्ट आए काम खत्म। ग्रुप का ऑर्डर कितना है, एट है ना, फोर नहीं है, ऑर्डर ऑफ Q4 इज एट, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप इज फोर, एट बाई फोर टू, इसका मतलब कितने बनेंगे, टू डिस्टिंक्ट कोसेट्स बनेंगे, सब ग्रुप नहीं बोलना है, ठीक है। क्या कोसेट सब ग्रुप होते हैं, सब ग्रुप होना कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे देखो आप, एक तो बन ही गया,
EH करते हो जिसको, यहाँ पे आप उसको R, सॉरी वन वन एच बोलेंगे, वन एच जो किसके इक्वल आ जाएगा, H के इक्वल। अब तुम्हें माइनस वन से करने की जरूरत नहीं है, J से करने की जरूरत नहीं है, और माइनस J से करने की जरूरत नहीं है। और फिर दूसरा एलिमेंट उठा लो और बाकी एलिमेंट लिख दो, हो गया, स्मार्ट वर्क करो। अब कोई दूसरा आई एच उठा लो, आई एच कर दो, एक तो आएगा आई, बाकी इस इसके अलावा जो एट एलिमेंट में से तीन एलिमेंट रहेगा वो लिख दो, माइनस आई के और माइनस के, कंपोजिशन करवा के लिख दो, या फिर यहाँ पे थोड़ी सी चलाकी दिखा दो, ऐसे लिख दो, हो जाएगा काम। हो गए, इसके कोसेट्स बनाने थे, क्लियर है, दो ही बनेंगे, एक ये और एक ये, ठीक है। एस थ्री ले लूँ तो, मान लो मैंने जी को ले लिया, अब की बार एस थ्री सिमेट्रिक ग्रुप, ठीक है। एच को मैंने ले लिया सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर टू ले लिया मैंने, इसके अंदर दो एलिमेंट है, एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट है और एक टू टपल है, ये वन टू है। अच्छा सब ग्रुप होता है ना, ये वन टू से जनरेटेड है ना, साइक्लिक है ना। एस थ्री का ऑर्डर, सब ग्रुप का ऑर्डर सिक्स बाय टू, कितने डिस्टिंक्ट बनेंगे, थ्री, बना दीजिए उनको। अब फटाफट बनाओ, हो गए, बना दिए। देखो आसान है ना, एस थ्री देखो तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अब तुम बनाने आ गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसका ऑर्डर कितना है एस थ्री का, सिक्स है, एच का टू है, सिक्स बाई टू, थ्री डिस्टिंक्ट थ्री बनेंगे, एक तो खुद ही बन गया ये, इसको बोले हम आई एच बोलेंगे, ठीक है। आई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, एच इज द नेम ऑफ सब ग्रुप, इज इक्वल टू एच, यानी आई वन टू, इनसे और इनसे जनरेट करने की जरूरत है नहीं अब तुम्हें। तो नेक्स्ट एलिमेंट आप वन थ्री उठा लीजिए, वन थ्री एच, एक तो वन थ्री ही आ जाएगा इसके से, और दूसरा फिर इससे करने की जरूरत नहीं है, दो रह गए तो उसको आप टू थ्री से कर लीजिए, टू थ्री एच, तो वो आ जाएगा तुम्हारे पास टू थ्री वन थ्री टू, ये डिस्टिंक्ट कोसेट्स बनेंगे इसके, ठीक है, यही बनेंगे। अच्छा मैं तुम्हें ये दे देता कि H है, अब की बार ये है तुम्हें, H इज इक्वल टू आई वन टू थ्री वन थ्री टू, ये दे देता, अच्छा कितने बनेंगे, दो, एक तो एक खुद ही है, लेकिन लिखेंगे ये नहीं कि H है, लिखेंगे क्या आई एच, ये बेशक आई हो लेकिन दिस इज नॉट को सेट, ये है को सेट, तो ये तो सेट है, सिंपल है, ग्रुप सब ग्रुप है, लेकिन ये क्या है को सेट, जो सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे, ये इक्वल तो होते हैं लेकिन जब आप को सेट लिखोगे, क्योंकि जब हम फैक्टर ग्रुप बनाएंगे तो फैक्टर ग्रुप में हम जो एलिमेंट्स होंगे उनको को सेट की फॉर्म में लिखेंगे, को सेट की फॉर्म में लिखेंगे, एच सिंपल नहीं लिखेंगे, एलिमेंट प्लस एच, एलिमेंट कॉम्पोजिशन है इसके साथ, एलिमेंट कॉम्पोजिशन वो अलग बात है कि एलिमेंट आप आइडेंटिटी उठा लेते हो, लेकिन लिखेंगे कैसे, ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, बनाओ इससे, इतने आ जाएंगे, ये आ गया, दूसरा वन टू से जनरेट किया एच, एक तो वन टू आ गया, ये तीन को छोड़ के क्या सा वन थ्री, और ये दो ही बनेंगे। लेकिन जब यूनियन करोगे तो एस सिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा, और इंटरसेक्शन करोगे तो फाइव के अंदर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, जो घर पे करोगे आप वो आप जेड टेन के लिए करोगे, ठीक है, जेड फिफ्टीन के लिए करोगे, सब ग्रुप में दे नहीं रहा क्योंकि सब ग्रुप निकालने आते हैं ना टोटल, इसके अंदर कितने होंगे, इसके अंदर कितने होंगे, ठीक है। डी फोर के सारे करोगे, दो मैंने करवाए हैं, दो तो मैंने करवाए हैं, एक चार ऑर्डर का, एक टू ऑर्डर का, डी थ्री के लिए करोगे पॉसिबल, ठीक है, और एस थ्री के लिए तो करवा दिए, लेकिन एस थ्री के टोटल सब ग्रुप बना के इसके लिए भी करोगे, ठीक है, एस फोर पे करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, वो हो जाएगा अपने,
ओके, तो ये सभी जब तुम सब ग्रुप कर लोगे, अच्छा ये आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कम भी कर सकते हो, कम तो करना ही मत, ठीक है, ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। जिसको कम समझ में आया हो, वो जो वीडियो लेक्चर बाद में देख रहे हो उनके लिए भी, अगर आप Z10 कर रहे हो, Z15 कर रहे हो, उसके बाद भी आपको पैटर्न या कुछ कन्फ्यूज़न है, हाथ नहीं चल रहा आपका फटाफट, है ना, तो आप इसमें से Z20 Z25 भी उठा सकते हो, इनके लिए भी कर सकते हो। इसमें आप D2 D1 को भी करो, साथ के साथ सारे जब नोट्स बना रहे हो तो S1 S2 के लिए भी करो, क्योंकि इसके आइसोमॉर्फिक होते हो, करने की ज़रूरत होती नहीं, ठीक है। तो इट्स डिपेंड अपॉन यू, आप अपने नोट्स बनाते वक्त कितना यूज़ करोगे, ठीक है, क्योंकि ये जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं और जितने भी आज मैंने इस लेक्चर में करवाए हैं, इन्हीं का यूज करके हम फैक्टर ग्रुप बनाने वाले हैं, उसको फैक्टर ग्रुप प्रूव करेंगे, ठीक है। जब फैक्टर ग्रुप बनाएंगे तो एलिमेंट्स की क्या बताया था, क्या चेंज होगी, शक्ल वो लिखे अलग तरीके से जाएगा, लेकिन प्रॉपर्टी करने का तरीका, ऑर्डर निकालने का, इनवर्स निकालने का, सारा कुछ सेम होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा कि कोसेट्स कैसे निकालते हैं, परसों के लेक्चर में या कल के सेकेंड या थर्ड लेक्चर में हम सीखेंगे फैक्टर ग्रुप कैसे निकालते हैं। लेकिन इसके बीच में एक और है जिसको क्या बोलते हैं हम, नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है, कि नॉर्मल सब ग्रुप कैसे निकाले जाते हैं, क्योंकि फैक्टर ग्रुप किसके हेल्प से बनेंगे, और नॉर्मल सब ग्रुप कोसेट्स, ठीक है। फैक्टर ग्रुप में भी किसका यूज होगा, कोसेट्स का, तो नॉर्मल वहाँ से आ ही जाएंगे। तो कर लोगे इनको, ठीक है, इनको करने के बाद जो हम कल आते ही स्टार्ट करेंगे वो क्या, नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नॉर्मल सब ग्रुप का, ओके। इस टाइप के क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि किसी ने पहले पढ़ लिया, नॉर्मल वाला टॉपिक छोड़ दिया, तो ये बोल देंगे कि तीन ऑप्शन तो विद इन स्कोप दे देंगे। मॉडर्न में ऐसा होता ना, ऐसा होता है कि ये दे देंगे, ये एच इज ए सब ग्रुप, देयर इज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर दिस, व्हिच एलिमेंट दिस दिस, थ्री ऑप्शंस में आप एक्सपर्ट हो, फोर्थ ऑप्शन में वो दे देंगे एच इज नॉट ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, और तुम्हें नॉर्मल सब ग्रुप निकालना ना आता हो, चेक नहीं करना आता हो, तुम्हारे वो क्वेश्चन किसी काम का नहीं है, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि प्रोबेबिलिटी फिर 50-50 रह जाती है, आपने टिक कर दिया तो हो सकता है ठीक हो या फिर हो सकता है गलत भी हो, दो ही रह जाएंगे ना, तो तब होता है जब ऊपर तीन वाले ऑप्शंस आपको क्लियर हो, ठीक है, क्लियर है। और जो सबसे ज़्यादा ग्रुप थ्योरी में पूछा जाता है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो फैक्टर ग्रुप से पूछा जाएगा। आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फैक्टर ग्रुप से क्वेश्चन पूछते हैं, और फैक्टर, क्योंकि किसने फैक्टर ग्रुप पूछ लिया तो उसे प्रीवियस थ्योरी तो उसमें यूज हो ही गई। किसी ने ये पूछ लिया कि आप इसके बारे में मुझे डेटा दीजिए, ठीक है, तो उसको D4 का पता होगा तभी तो इसके बारे में बताएगा। जिसको D4 क्या, D4 के एलिमेंट्स, ऑर्डर ये नहीं पता होगा, वो इसके बारे में तो कुछ भी नहीं बता सकता, ये क्या बनेगा। सेंटर भी आ रहा है इसमें, ठीक है, सेंट्रलाइजर भी आ जाएगा इसमें, सारी चीज़ें आ जाएंगी इसके अंदर। तो इसलिए जब कोई भी एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है तो फैक्टर ग्रुप से बनाना वो प्रेफर करता है, ताकि प्रीवियस थ्योरी उसके अंदर इंक्लूड हो, ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है। जब हम रिंग थ्योरी पढ़ेंगे उसमें भी ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्लियर है। तो जल्दी इसके बाद एक दो टॉपिक हो रहा है, उसके बाद हम ग्रुप थ्योरी ख़त्म कर देंगे, ओके।